अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बैंगन की बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। वो जो कहते हैं ना कि हमने कभी बैंगन नहीं खाए, वो जो कहते हैं ना कि हमें बैंगन पसंद नहीं, मेरा दावा है कि वो भी अशशकार उठेंगे। मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ग्राइंडर में सबसे पहले हम एक अदद प्याज डालेंगे दरमियाने साइज का। साथ ही हम इसमें एक टमाटर डाल देंगे, चंद जवे लहसुन के हैं और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, चीनी 1/2 टीस्पून और नमक इसमें डाल देंगे हसबे जायका और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। पेस्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो गया है। अब हम बैंगन को कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद अब हम प्रिपेयर की हुई स्टफिंग इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से भर देंगे स्टफिंग इसके अंदर, इस तरह से। एक और करके दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह। ये 1 चम्मच इस साइड पे डालेंगे और 1 चम्मच इस साइड पे, इस तरह से। और ये देखें, ये इस तरह स्टफिंग इसके अंदर अच्छी तरह से फिल हो गई है। एक कढ़ाई में हमने हसबे ज़रूरत वेजिटेबल ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। साथ ही हम इसमें चंद कड़ी पत्ते डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ज़ीरे और कड़ी पत्ते की यहाँ पे अच्छी तरह से खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें स्टफ किए हुए बैंगन ऐड कर देंगे। बैंगन डाल के साथ ही हम इसमें बची हुई स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग डालने के बाद अब हम इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे और 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ढक के रखे हुए यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं। बैंगन भी हमारे यहाँ पे अच्छे खासे टेंडर हो गए हैं और मसाला भी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, इस तरह से काट के ये डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 1 गिलास के जितना पानी ऐड कर देंगे और इसको दोबारा से हम ढक के रख देंगे इतनी देर के लिए कि बैंगन हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाए। चेक करेंगे और ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त टफ बैंगन यहाँ पे तैयार हो गए हैं। ग्रेवी भी बहुत अच्छी तरह से बन गई है, ऑयल भी रिड्यूस हो गया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे क्रश किया हुआ खुशक धनिया। चूल्हा इसका बंद करेंगे और इसको इंजॉय करेंगे। आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ या उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं, दोनों के साथ ही बहुत मज़े के लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर फीडबैक देना मत भूलिएगा।
और इसकी लुक ज़रा चेक करें, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।